गिरिडीह पुलिस ने फाइनेंस कर्मी के साथ हुए लूटपाट मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। इतना ही नहीं, घटना में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ फाइनेंस कर्मी से लूटी गई नगद राशि, बाइक समेत अन्य सामग्री भी बरामद कर ली गई है। उक्त आशय की जानकारी सदर SDPO अनिल कुमार सिंह ने पपरवाट टाण स्थित नए समाहरणालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। बताया गया कि 17 अगस्त की सुबह भिलवा घाटी थाने में RBL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मी शौकत अली ने एक आवेदन देकर बिलवाघाटी थाना इलाके के झारखंड बिहार के बॉर्डर पर स्थित अधिपुलिया के पास तीन बाइक सवार अपराधियों के द्वारा 16,000 नकदी समेत उनकी TVS बाइक, मोबाइल, टैब, फिंगरप्रिंट स्कैनर लूट जाने की सूचना दी थी। SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह SP अमित रेणु के निर्देश पर एक टीम का गठन कर तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। टीम ने 24 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल दो अपराधियों चंद्रशेखर सिर्फ शेखर और संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ में सामान की भी बरामदगी की गई है। 16 अगस्त को 5:30 बजे शाम में आज पेलिया पुल है जो कि भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में है, वहाँ तीन अपराध कर्मी अपाचे मोटरसाइकिल से आए और एक फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है RBL फाइनेंस सर्व लिमिटेड उसके कर्मी शौकत अली से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसके TVS मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। 16,000 रुपये लूटी गई थी और उनका टैब, अपना निजी मोबाइल और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस लूटी गई थी। इस संबंध में सूचना मिलने पर भेलवाघाटी थाना प्रभारी द्वारा कांड दर्ज किया गया और एक टीम बनाकर बड़ी पदाधिकारियों के आदेशानुसार छापेमारी शुरू की गई। उसमें जो कांड में जो संलिप्त थे चंद्रशेखर सिंह और संतोष कुमार यादव, दोनों को कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे और कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल TVS और 2,000 रुपये और फिंगरप्रिंट डिवाइस और सैमसंग का टैब भीती से इसी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। और जो सभी ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया है घटना में और उनको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एक अपराधकर्मी भागने में अभी सफल रहा है, उसकी गिरफ्तारी हेतु भी छापामारी चल रही है। हाँ, चंद्रशेखर सिंह ने उसका आपराधिक इतिहास, दो कांडों में पाकपुर में भी जेल जा चुके हैं और जो अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भी पता किया जा रहा है कि ये किन किन घटनाओं में पूर्व में की घटनाओं में शामिल हैं।